तो गाइस स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है आई। आई की अपन पूरी स्ट्रक्चर समझेंगे। तो देखो गाइस, आई के अंदर अपन आज क्या पढ़ेंगे, आई बॉल की संरचना। आई बॉल क्या होता है गाइस, नेत्र गोलक। नेत्र गोलक जानते नहीं है, अगर इसमें से आई निकाल दे तो एक जो खड्डा सा बनता है ना उसे क्या बोलते हैं, नेत्र गोलक। तो उस नेत्र गोले की संरचना पढ़ेंगे। और इस नेत्र गोले के अंदर तीन परतें पाई जाती है, यहां पर क्या होती है, इस तीन परतें उपस्थित होती है, यहां पर तीन परतें उपस्थित होती है। तीन परत कौन कौन सी होती है, सबसे बाहर वाली तो कौन सी आ जाती है, फाइब्रस। फाइब्रस ट्यूनिक, मध्य वाली कौन सी आ जाती है, वेस्कुलर ट्यूनिक। और थर्ड कौन सी आ जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आंतरिक, आप जानते भी होंगे इसे, रेटिना। बहुत प्रचलित नाम है, सुना सुनाया। तो देखो गाइस, आई के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, आई बॉल की संरचना। आई बॉल के अंदर तीन परतें पाई जाती है, सबसे बाहर वाली फाइब्रस ट्यूनिक, मध्य वाली वेस्कुलर ट्यूनिक, सबसे अंदर वाली रेटिना। अब देखो गाइस, अब क्या पढ़ते हैं अपन, फाइब्रस ट्यूनिक। देखो गाइस, फाइब्रस ट्यूनिक क्या होता है, डायग्राम बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ये क्या बनाई मैंने, एक आई की संरचना बनाई। देखो गाइस, आई के अंदर ये देखो गाइस, जो साइडों के अंदर जो ये वाइट वाइट वाला पार्ट्स होता नहीं है, सफ़ेद सफ़ेद सा, उसे क्या बोलते हैं अपन, स्क्लेरा। देखो आई की अगर मैं आपको स्ट्रक्चर यू बना के बताऊँ, तो देखो यहाँ पर जो ये सफ़ेद वाला पार्ट्स होता है, ये वाला, ये तो क्या कहलाता है, स्क्लेरा है। और देखो जो यहाँ पर जो ये नेत्र होता है ना, ये इसके अंदर, इसके ऊपर वो एक वाइट कलर की बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट परत होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कॉर्निया। दिखती नहीं है, ट्रांसपेरेंट होती है एकदम वाइट कलर की, इसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया। तो देखो इस फाइब्रस ट्यूनिक के अंदर दो आ जाती है, एक तो पश्च भाग, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्क्लेरा, और एक आ जाता है कौन सा, अग्रभाग। जिसे अपन क्या बोलते हैं, कॉर्निया। देखो ये वाला पार्ट तो क्या कहलाता है, कॉर्निया, और ये पछ वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये पीछे वाला भाग, स्क्लेरा। अरे भाई, ये तो आँख का मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन काट के बनाया, यहाँ पर ऐसे तो ना बनाया मैंने इसको, यूँ ट्रांसवर्स सेक्शन काट के यहाँ पर बनाया। तो इसके अंदर जो साइडों के अंदर जो वाइट वाइट सा पार्ट होता है ना, वो तो स्क्लेरा कहलाता है। और जो ये आँख के ऊपर जो ये पाए जाते हैं, एक ट्रांसपेरेंट परंतु व्हाइट कलर की जो दिखती नहीं है, वो क्या होती है, कॉर्निया आती है। अब देखो भाई, जो पश्च भाग होता है स्क्लेरा, ये क्या होता है, श्वेत भाग होता है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कोलेजन। इसमें क्या पाए जाते हैं, कोलेजन के रेशे पाए जाते हैं, डेट्स इट। अब अपन बात करते हैं किसकी, अग्रभाग की, कॉर्निया की। अपन किसकी बात करते हैं, अब कॉर्निया की। तो देखो गाइस, कॉर्निया क्या होता है, एक अति असंवनी होता है। असंवनी का अर्थ क्या होता है, नॉन वेस्कुलर। अब नॉन वेस्कुलर का अर्थ क्या होता है, इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। इसमें क्या होती है, खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अब क्वेश्चन यहां पे एक राइज उठता है,
एक क्वेश्चन क्या उड़ता है कि जब इसके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती फिर कौन है पोषण कहाँ से प्राप्त करता है। अरे भाई अपने जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, समझ में आएगा। अब इसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, कॉर्निया ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, क्योंकि इसमें खुद की तो ब्लड सप्लाई होती नहीं, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, डायरेक्ट बाहर से इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेता है ये, समझ में गाइज। अब देखो गाइज ये नॉन वेस्कुलर होता है, खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती, जिस वजह से तो आपने देखा होगा कि जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है, कॉर्निया वाला भाग, वो नेत्रदान में यही तो पार्ट दिया जाता है, समझ में। और जो नेत्रदान होता है वो बड़ी आसानी से कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ब्लड का झंझट तो होता नहीं, ए बी ओ रक्त समूह मिलाओ मिलाओ या ना मिलाओ, जब मिलता है तभी डोनेशन हो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसमें खुद का तो ब्लड सप्लाई होता नहीं, तो ये आसानी से क्या दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है, समझ में। जिस वजह से तो जो अंग अंग प्रत्यारोपण में जो ये आई होती है ना वो आसानी से प्रत्यारोपित कर दी जाती है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होती, खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसमें ब्लड सप्लाई एबसेंट होती है। तो चूंकि इसमें खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती है इसलिए आसानी से प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो देखो गाइस ये तो अपनी पहली परत कंप्लीट हो गई। सबसे बाहर वाली कौन सी थी, फाइब्रस ट्यूनिक। फाइब्रस ट्यूनिक के दो भाग थे, अग्र भाग कॉर्निया जो कि नॉन वेस्कुलर होता है, यानी कि इसमें खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती, जिस वजह से आई डोनेशन आसानी से कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें वो क्या नाम थे, ब्लड की मिलानी वगैरह की झंझट नहीं होता है। दूसरा भाग कौन सा था, पश्च भाग, जो कि इसे अपन क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। स्क्लेरा होता है वो श्वेत पार्ट होता है और इसके अंदर कोलेजन के रेशे मिलते हैं। पहली परत कंप्लीट, अब नेक्स्ट पढ़ते अपन आगे, दूसरी वाली परत पढ़ते हैं कौन सी, मध्य वाली। मध्य वाली परत कौन सी आ जाती है गाइस, वेस्कुलर ट्यूनिक। अब देखो गाइस जो वेस्कुलर ट्यूनिक होती है वो हाईली वेस्कुलर होती है, यानी कि यहाँ पर ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, हाईली वेस्कुलर। हाईली वेस्कुलर का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो भाई इधर आओ, ये क्या बनाया मैंने, इसके अंदर देखो भाई, ये मैंने अंदर क्या बनाई, रेड पेन से बनाते हैं इसे अलग। देखो भाई ये देखो गाइज ये इसके अंदर ये वाला भाग तो कौन सा जाता है, पश्च वाला भाग, कोरोइड। ये जो आगे का फूला हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, सीलियरी बॉडी। यानी कि सीलियरी काय, और ये देखो गाइज क्या होता है, इस सीलियरी काय के अंदर ये आगे आगे की तरफ क्या मिलता है, आयरिस। इधर लिखते हैं इसे आयरिस, ये क्या होता है, रंगीन भाग होता है। अब देखो गाइज आपने देखा होगा किसी की आंखें भूरी कलर की होती है, किसी की आंखें कैसी होती है, लाल कलर की होती है, किसी की आंखें नीली कलर की होती है, नागिन की जैसे, समझ में गाइज। तो वो किसकी वजह से होती है, इस आयरिस की वजह से होती है, क्योंकि आयरिस के अंदर क्या होता है, ये रंगीन भाग होता है, और इसके अंदर कलर किसकी वजह से होते हैं, अलग अलग मेलेनिन की वजह से होती है, किस पिगमेंट की वजह से होते हैं, मेलेनिन पिगमेंट की वजह से होती है। अब किसी की अलग अलग क्यों होती है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, घबराना मत। तो आयरिस रंगीन भाग हो जाता है जो कि मेलेनिन कहलाता है। अब इसके मध्य के अंदर क्या पाई जाती है, आयरिस के मध्य में ये क्या बनाया मैंने, पुतली। ये क्या जाती है, प्यूपिल।
पुतली, और इसी से क्या करता है, पुतली वाले भाग से क्या करता है गाइस, प्रकाश प्रवेश करता है। समझ में आया गाइस, यहाँ पर क्या निकला होता है, ये आइरिस जो कि रंगीन भाग होता है मेलेनिन की वजह से होता है, और यहाँ पे क्या आ जाती है, इनके बीच में फंसी पुतली आ जाती है, पुपिल से इस पुतली से वाले भाग से क्या करता है गाइस, अंदर प्रकाश प्रवेश करता है। तो ये तो कौन सी थी गाइस, दूसरी परत वेस्कुलर ट्यूनिक जो कि हाईली वेस्कुलर होती है। तो इसका देखो गाइस, इसके अंदर पश्च भाग तो कौन सा आ जाता है, कोरोइड, अगर मोटा भाग कौन सा आ जाता है, ये सीलियरी बॉडी, और ये रंगीन भाग कौन सा आ जाता है, रंगीन भाग कौन सा आ जाता है गाइस, आयरिस। तो ये तो कौन सी परत होगी, दूसरी वेस्कुलर ट्यूनिक, जिसका पीछे वाला भाग कोरोइड, अगर मोटा वाला भाग कौन सा आ जाता है, सीलियरी बॉडी, और रंगीन भाग कौन सा आ जाता है, आयरिस, और आयरिस के मध्य में क्या पाई जाती है, पुतली पाई जाती है। आयरिस के मध्य में क्या होती है, पुतली उपस्थित होती है, जिससे क्या करता है, प्रकाश प्रवेश करता है। अब देखो गाइस, पुतली को सिकुड़ने और फैलाने का काम कौन करती है, ये आयरिस ही करती है, कि पुतली फैले या सिकुड़े इसका कंट्रोल कौन करती है, ये आयरिस की पेचा करती है। तो पुतली को फैलाने व सिकुड़ने का कार्य आयरिस की पेचा करती है। तो पुतली फैले या सिकुड़े ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आयरिस के ऊपर, आयरिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो इस पुतली को फैलाने व सिकुड़ने का कार्य कौन करती है, आयरिस की पेशियां करती है। और आयरिस की पेशियां किससे विद्युत होती है, एक्टोडर्म से। जो आयरिस की पेशियां होती है वो किससे विद्युत होती है गाइस, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्टोडर्म से विद्युत होती है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितनी भी मसल्स होती है, जितनी भी पेशियां होती है, वो सारी की सारी किससे विद्युत होती है, मेसोडर्म से। भ्रूण की कौन से परत से उत्पत्ति होती है, उनकी मेसोडर्म से। लेकिन एकमात्र ये आयरिस की पेशियां ऐसी पेशी है जो कि किससे, एक्टोडर्म से विद्युत होती है, यानी कि एक्सेप्शन है। और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन है। जितनी भी पेशियां होती है, जितनी भी मसल्स होती है, वो तो किससे विद्युत होती है, उनकी उत्पत्ति किससे होती है गाइस, मेसोडर्म से। और जबकि ये एकमात्र आयरिस की पेशियां ऐसी होती है जो कि एक्टोडर्म से विद्युत होती है। तो ये तो क्या हो गई, दूसरी कंप्लीट परत होता है कि वेस्कुलर ट्यूनिक। समझ में आ गया। अब देखो इसमें अपन पढ़ते कौन सी, मध्य वेस्कुलर ट्यूनिक परत आ गई ना। अब देखो इसकी के अंदर अभी खत्म नहीं है सेकेंड परत, अब इसी के अंदर देखो गाइस क्या होती है, जो आयरिस की पेशियां होती है, ये दो प्रकार की होती जाती है, एक तो आ जाती है सीलियरी एक तो कौन सी आ जाती है, सीलियरी पेशिया, और सेकंड कौन सी आ जाती है, मस्कुलर पेशिया। अब देखो गाइस, जब सीलियरी पेशियों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, यानी कि संकुचन होता है, तो पुतली क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट होती है। कंस्ट्रिक्ट यानी कि सिकुड़ती है।
अब देखो इस सर्कुलर पेशियों के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी कि संकुचन होगा तो पुतली क्या होगी, कंस्ट्रिक्ट होगी यानी कि सिकुड़ेगी, और जब पुतली सिकुड़ेगी तो कम प्रकाश प्रवेश करेगा। कम प्रकाश प्रवेश करेगा। अब देखो इधर आओ मस्कुलर पेशियों के ऊपर, मस्कुलर पेशियों के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना यानी कि संकुचन होगा तो क्या होता है गाइस, पुतली यहां पर फैलती है यानी कि डायलेट होती है, और जब कोई चीज फैलेगी तो उसके अंदर अधिक प्रकाश प्रवेश करेगा। समझ में आ गया? तो अधिक प्रकाश कब प्रवेश करता है और कम प्रकाश कब प्रवेश करता है ये याद रखना। अब देखो याद करने की बताता हूँ ट्रिक, सर्कुलर पेशियों का क्या पकड़ो सी, सर्कुलर पेशिया सी, कॉन्ट्रैक्शन सी, कंस्ट्रिक्ट सी, सी 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 से याद करो। सर्कुलर पेशियों के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट होती है, तो क्या होता है कम प्रकाश प्रवेश करेगा। इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप याद हो जाएगा। अगर कोई चीज़ सिकुड़ेगी तो कम प्रकाश प्रवेश करेगा, और कोई चीज़ फैलेगी डायलेट होगी तो उसके अंदर अधिक प्रकाश प्रवेश करेगा। तो सी यानी कि सीलियरी, सी यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो होता है तो कंस्ट्रिक्ट होती है। समझ में आ गया? ये आयरिस की पेशियाँ खत्म। अब देखो आज अब इसका लास्ट डायग्राम बना देते हैं। अब थर्ड परत आ जाती है रेटिना, अब देखो गाइस इसका डायग्राम देखो। ये तो क्या बना दी मैंने, सबसे बाहर वाली परत, सबसे बाहर वाली परत बना दी, और अब इसके अंदर क्या पाई जाती है, ये सेकंड परत। सेकंड परत कौन सी आ जाती है, ये तो आ जाता है कोरोइड, ये आ जाता है सीलियरी बॉडी, और सीलियरी बॉडी से फिर क्या निकलती है, ये क्या निकलता है आयरिस, और इस आयरिस के मध्य में क्या होता है पुतली, ये क्या आ जाती है पुतली प्यूपिल, और ये वाला भाग कौन सा आ जाता है आगे वाला भाग कॉर्निया। अब देखो गाइस इसके अंदर क्या पाई जाएगी, फिर अब रेटिना, ये थर्ड परत कौन सी आ जाती है अंदर वाली, रेटिना। अब देखो इस रेटिना जो अंदर वाला ये चेंबर होता है, और देखो यहां से क्या निकला हुआ रहता है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स निकले हुए थे, ये दो खूंटे निकले हुए रहते हैं, इन दो खूंटों को क्या बोलते हैं अपन, सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, और इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स के मध्य में क्या होता है लेंस लगा होता है। लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं इसको सपोर्ट करके रखते हैं यानी कि इसको जोड़े हुए रखते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट से। अब देखो भाई जो ये अंदर वाला चैम्बर होता है ना, इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे क्या बोलते हैं अपन, विट्रस। अपन इसको क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। और इसके अंदर और देखो अब ये विट्रस ह्यूमर कहाँ पाया जा रहा है, ये वाली तो रेटिना और ये वाला लेंस, तो रेटिना से लेंस के मध्य, रेटिना से लेंस के मध्य में पाया जाता है, और यहां पर भी एक द्रव पाया जाता है, यहां पर एक द्रव पाया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। ये कहां से कहां पर तक पाया जाता है, देखो भाई ये तो क्या हो गया लेंस, और लेंस से कहां तक, कॉर्निया तक।
देखो भाई जी, मैं आपको इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो आपको रटना पड़े, सारी चीज़ समझो। अरे भाई ये रेटिना गई, रेटिना से ये लेंस तक तो क्या पाया जा रहा है, विट्रस ह्यूमर। और जो विट्रस ह्यूमर होता है वो अधिक गाढ़ा होता है। क्योंकि इसका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में हो जाता है। ये कब बन जाता है, भ्रूणीय अवस्था में, एम्ब्रोनिक स्टेज में किसका निर्माण हो जाता है, विट्रस ह्यूमर का। और जो एक्वस ह्यूमर होता है ना, ये लेंस से कोने तक पाया जाता है और ये कम गाढ़ा होता है। यानी कि उसकी अपेक्षा करते क्या होता है, कम गाढ़ा होता है। तो ये क्या बनाया गया, मैंने पूरी आई की संरचना बना दी। ये सबसे बाहर वाली परत तो स्क्लेरा आ जाती है, जिसका पश्चभाग स्क्लेरा होता है, आगे वाला भाग कोन आ जाता है। और इसके अंदर विट्रस ह्यूमर मिलता है, ये रेटिना आ जाता है, ये कॉन्वेक्स लेंस मिलता है, किससे जुड़ा होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट से। और ये सीलियरी बॉडी आ जाती है, यहाँ पे पुतली आ जाती है। और पुतली, अब देखो गाइस अभी कंप्लीट नहीं आएगी। अब जो रेटिना होती है ना, इस रेटिना की अभी तो अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अलग से, ये तो पूरी आई की संरचना थी। अब इस रेटिना की पूरी स्ट्रक्चर अपन अलग से पढ़ेंगे, जिसमें रोड्स पढ़ेंगे, कॉन्स पढ़ेंगे, इसके अंदर जो बाईपोलर न्यूरॉन्स पढ़ेंगे वो सारी की सारी पढ़ेंगे। फिर आँख की जो क्रियाविधि होती है, जिसके अंदर रोड्स और कॉन्स किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो पूरे इसी के ऊपर आएगा, जिसके अंदर मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे अपन आई का, कि किस प्रकार से अपन को वस्तु दिखाई देती है। सो गाइस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करना। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप तो हमें आप हमें व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं 9929602020 इन नंबरों के ऊपर, तो आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। सो धन्यवाद।